हेलो एवरीवन, आज कुछ गेस्ट इनवाइट किए हैं अपने घर पे, जो कुछ यूट्यूब की हस्ती हैं उनका इंतज़ार हो रहा है और बेसब्री से हम सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। गेट के ऊपर ही खड़े हुए हम सब हैं और हमारे साथ हमारी चिल्लर पार्टी भी है, यानी कि हमारे घर के बच्चे उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये अफ़ान, अख्तर और रिदान, इनसे सब्र नहीं हो रहा है तो ये चले गए रोड के पास, वहाँ जाकर इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएँ और कब उनसे मुलाकात हो। तो आपके सामने रिवील कर रहे हैं कि आज आमिर हिंदुस्तानी यानी कि लखनऊ की बाजी और उनकी टीम, साथ में लखनऊ के चचा भी मौजूद हैं जो आज हमारे घर आ रहे हैं और सब हम सब मिलकर उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में उनकी टीम भी है जो हम लोगों ने पर्दे के पीछे भी देखी है, कभी कभी रील्स में दिखाई पड़ते हैं, वो लोग भी साथ में हैं। तो आज मौका मिल रहा है उनसे मिलने का और रूबरू होने का, जिसमें शाह आलम हमारे एक्स स्टूडेंट हैं और भी इसमें एक्स स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो आज काफ़ी दिन से मुलाकात होने का हो रहा था पर मौका नहीं लग पा रहा था, लेकिन आज मौका लग गया। बच्चों की बेसब्री देखिए, बारिश हो रही है लेकिन इंतज़ार उनका करते हुए बच्चे हमारे आ गए बिल्कुल रोड के ऊपर, वहीं आकर के हाय हेलो हो रहा है। आप ये देख सकते हैं वहीं पर खड़े हो गए, इंतज़ार हो रहा है। ये जो हमारे छोटे साहबजादे यानी कि आरम है वो भी आ गए। इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपकी स्क्रीन पर हमारे शाह आलम साहब आमिर हिंदुस्तानी आते हुए दिखाई पड़े और हम लोग सब लोग जो इंतज़ार बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत हुआ और हमारी जो बच्चा पार्टी आमिर साहब से मिलने के लिए परेशान थी वो आकर उनके पास बैठ गई और दुआ सलाम का दौर शुरू हुआ और सब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का हाल चाल लिया। बच्चे हमारे बहुत खुश हुए आमिर साहब से मिल कर के, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चाहते थे अपनी अपनी सेल्फ़ी लेना, उनसे कुछ देर बैठ के बात करना। हमने समझाया, उसके बाद वो रुके और बैठे और एक एक करके फिर मिलना शुरू हुए। ये हमारे रिदान साहब जो बहुत बड़े फ़ैन हैं आमिर साहब के। उसके बाद आते हैं हमारे अफ़ान भाई, ये भी कम नहीं है। अख्तर मामू जो हमारे उत्तराखंड से हैं वो तो बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके। ये सबसे छोटे साहब हमारे अरहम साहब, ये भी इनकी बहुत एक्टिंग करते हैं इसलिए मुलाकात की। सब ने बैठ कर के बैठे और सब बैठ के निहारते रहे कि लखनऊ की बाजी किस स्टाइल में यूट्यूब पर होती हैं और हमारे सामने जो सामने बैठी हैं ये वही हैं कि कोई और। सब बैठ कर के बहुत ध्यान से उनके सुनते रहे और आमिर साहब बच्चों साथ भी बड़ा अच्छे से इंट्रैक्ट रहे और हम लोगों में बातचीत होती रही। बातचीत हुई कि नैनीताल जाने के लिए या फिर टनकपुर जाने के लिए, तो काफ़ी कुछ जाना समझा और बैठ के बच्चों ने इन्जॉय किया उनके साथ। सभी बहुत मतलब दिल से सब मिलना चाहते थे इसलिए बड़े, देख सकते हैं आप सब अपने अपनी बारे का इंतज़ार करते हुए कि कब मौका मिले कि और हम भी मिले उनसे और एक सेल्फ़ी ले लें उनके साथ। तो शाह आलम भी आज लगा कि हमारा बच्चा आज अच्छी जगह पहुंचा और हमको हमारी पूरी रिस्पेक्ट रखते हुए वो घर आया और अपनी पूरी टीम को लेकर आ कर के मुलाकात करने आया और सबसे इंट्रोड्यूस कराया अपनी टीम से भी और हम सब से भी इंट्रोड्यूस हुआ कि हमारे सर हैं। बहुत अच्छा लगा कि जब अपने बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं या बुलंदी पर पहुँचते हैं तो दूसरा ही मज़ा होता है। कितनी खुशी मिलती है वो तो हम ही लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और रही बात इन बच्चों की या हमारी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि अब तक जिनको यूट्यूब पे देखते हैं लखनऊ की बाजी के रूप में, आज वो हमारे सामने और हमारे घर में बैठे हुए हैं और घर के सभी बच्चे आमिर साहब से मिलकर बड़े खुश हुए। हमें भी बड़ा अच्छा लगा उनके साथ कुछ पल बैठ कर के। साथ में लखनऊ के चचा भी मौजूद रहे तो काफ़ी, ये उन आमिर साहब की पूरी टीम है शाह आलम के साथ, आमिर हिंदुस्तानी के साथ, हमारे रिदान साहब, अफ़ान साहब, अख्तर रज़ा साहब, सभी ने अपनी अपनी सेल्फ़ी खिंचवाई
आमिर हिंदुस्तानी साहब के साथ, शीज़ा हमारी भांजी साहिबा, और हम पीछे क्यों रहते, तो हमने भी अपनी सेल्फ़ी भी ली उनके साथ और काफ़ी अच्छा लगा। साथ में बैठे कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बातचीत हुई, कुछ जाना उनके बारे में। तो आप भी बताएं कैसा लगा मेरा ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।